हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम हम मैं कर चुका हूँ एंड आई होप कि आपने हर एक सारे प्रॉब्लम ज़रूर देखी होगी। तो चलिए आज हम एक और ये मीडियम लेवल की प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसका स्कोर 25 है, राइट। तो डिजिट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन समझिए कि हमें एक स्ट्रिंग इनपुट दी जाएगी, एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर भी होंगे और नंबर भी होंगे, जैसा आप यहाँ पर देखिए डिजिट होंगी, है ना। तो डिजिट होंगी इस केस में, तो उस स्ट्रिंग में क्या क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे और डिजिट होंगे। तो जो डिजिट हैं उनकी हमें फ्रिक्वेंसी प्रिंट करनी है 0 से 9 तक में, है ना। जैसे इस स्ट्रिंग में 0 कितनी बार है, 0 है ही नहीं है, इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी 0 प्रिंट है। फिर अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 प्रिंट किया गया है। फिर 3 इस स्ट्रिंग में है ही नहीं है, ओके सॉरी 1 2 2 की बात करें, 2 स्ट्रिंग में एक बार है इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है। फिर 3 इस स्ट्रिंग में है ही नहीं है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 0। 4 एक बार है तो 1 प्रिंट है। 5 एक बार है तो 1 प्रिंट है। 6 भी एक बार है। 7 भी एक बार है। 8 और 9 है ही नहीं है इसलिए देखिए 0 0 प्रिंट है। तो हमारा टास्क क्या है कि एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है और उस स्ट्रिंग में हर एक डिजिट की 0 से 9 तक के जो भी डिजिट हैं उनकी फ्रिक्वेंसी हमें प्रिंट करनी है, है ना। तो ये 10 इंटीजर हमें प्रिंट करना है इस स्पेस से सेपरेट करते हुए, जो कि फ्रिक्वेंसी को डिनोट करेंगे उस स्ट्रिंग में, है ना। तो समझ में बात आपको आई। चलिए मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो मैं कैरेक्टर टाइप का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से AR नाम से, ठीक है। अच्छा, इसका मैं साइज़ कुछ रख लेता हूँ लेट से। तो चलिए मैं कंस्ट्रेंट्स में चलता हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रिंग की लेंथ दी होगी, है ना। तो देखिए स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1000 तक हो सकती है, तो मैं यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, 10011 मैं बढ़ा के रख ले रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना है, स्कैनफ लगाना है और मुझे स्ट्रिंग को क्या करना है, रीड करना है। तो मैंने रीड किया %s और यहाँ पर लिख दिया हमने AR। तो हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि 0 से 9 तक के जो नंबर हैं, डिजिट हैं, उनको हमें चेक करना है कि ये कितनी बार हमारे इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं, है ना। तो अब बताइए, अच्छा यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मैं यूज़ करने वाला हूँ ASCII कोड का। तो जो 0 होता है उसका ASCII कोड होता है 48, 0 का ASCII कोड क्या होता है 48, तो 1 का ASCII कोड क्या होगा 49, है ना, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और 9 का ASCII कोड क्या होगा, 48 में आप 9 जोड़ दीजिए, दैट इज़ 57। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर आई इक्वल टू 48 टू आई लेस देन इक्वल टू 57 एंड आई प्लस प्लस। और एक बात आप यहाँ देखिए कि क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में क्या है, कैरेक्टर हैं, तो इन नंबर्स को भी जो 0 1 या 2 3 4 हैं इनको भी हमें एज अ कैरेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा, तभी तो मैं चेक कर पाऊँगा। इसलिए मैं आई वेरिएबल को देखिए यहाँ पर एज अ कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो आई में हमने क्या स्टोर किया, 48। तो 48 के करस्पॉन्डिंग, 48 ASCII वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो कहाँ जाएगा, आई में जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 49 होगी तो 49 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो भी कैरेक्टर होगा वो कहाँ जाएगा, आई में जाएगा, जो कि 1 होगा। तो आई में इन डिजिट तो जा रही हैं 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से, लेकिन वो एज अ कैरेक्टर जा रही हैं, समझ बात आई। और इस आई में जो भी कैरेक्टर है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को चेक करना है कितने हैं, तो मुझे उस स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से जे नाम से, और जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके जे लेस देन कहाँ तक जाना चाहिए,
str len ऑफ ar तक जाना चाहिए, है ना, और j प्लस प्लस। और इसमें मुझे क्या चेक करना है, इसमें मुझे ये चेक करना पड़ेगा इफ़ ar ऑफ j की वैल्यू कभी भी i के बराबर होती है, तो मतलब जो कैरेक्टर i में है वो मिल गया है, तो उसे मुझे काउंट करना है। तो मैं यहाँ से काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और मुझे इस काउंट नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। और जब ये बाहर वाला लूप जैसे ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे काउंट को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही शुरू हो रहा है तो एक नया कैरेक्टर आएगा आई में, और उस कैरेक्टर को काउंट करना है। तो जो भी पुराना वाला ओल्ड वैल्यू काउंट में है उसको हमें जीरो सेट करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं बात। जब आई की वैल्यू 48 होगी तो 48 के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है दैट इज जीरो, तो आई में क्या होगा इसमें, है ना, आई में जीरो होगा एज अ कैरेक्टर। तो मैंने उस स्ट्रिंग को सिंपली विजिट कर लिया और चेक कर लिया। अब जीरो जितनी बार हमारी स्ट्रिंग में आया होगा उतनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो काउंट की वैल्यू उतनी बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। इसी तरह वन के लिए, फिर टू के लिए, फोर, ऐसे होता जाएगा। और जैसे ही मैं इस लूप के बाहर आ रहा हूँ तो मुझे इस काउंट को क्या करना है, प्रिंट करना, और एक स्पेस देना है, और काउंट की वैल्यू को मुझे प्रिंट कर देना है। तो आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, आई गेस कि आ गया होगा आपको ये बात समझ में, है ना। तो चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार वेल, और देखिए हमारा यहाँ पर जो सैंपल टेस्ट केस है वो पास हो गया है। चलिए इसको मैं एक बार मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर 11 टेस्ट केस हैं, और ये देखिए हमारे हर एक टेस्ट केस यहाँ से पास हो गए हैं, है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच।